तृतीय भाग साधारण बजेट। माननीय बाचस्पति महोदय, मु वर्तमान साधारण बजेट उपस्थापन करने जाऊँ। वित्तीय परिचालन मुख्यांश माननीय मुख्यमंत्री सुदक्ष नेतृत्व में ओडिशा विज्ञ आर्थिक परिचालन क्षेत्र में समग्र देश में एक अग्रणी राज्य भाव परिचित हो। 2000 मसीह माननीय मुख्यमंत्री जितेबले राज्य शासन भार ग्रहण कले से ओडिशा एत भयंकर आर्थिक संकट दे गति करूला जे नियमित भाव दरमा पेंशन मध्य दिया जाई पारु नथिला। आज दुई दशंधि पर आम से ही अल्प केतोटी राज्य मध्य अन्यतम जो मैंने राजस्व बलका हासिल करती लोकाभिमुखी और अभिवृद्धि भित्तिक कार्यक्रम व्यापक पुंजी निवेश करने को समर्थ होती। ओडिशा को एक विकसित राज्य में परिणत करने आम प्रिय मुख्यमंत्री दूरदृष्टि तथा लोकाभिमुखी शासन व्यवस्था जो परिवर्तन संभव हो पारी। देशर एकमात्र राज्य भाव में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजेट परिचालन अधिनियम 2005 प्रणीत होबाठारु एहा अधीन धार्य होता समस्त आर्थिक लक्ष्य को राज्य निरवच्छिन्न भाव में हासिल कर गौरव अर्जन करिछि। आमर विज्ञ आर्थिक परिचालन प्रयास स्वीकृति लाभ करिछि एवं केआरएज द्वारा जनवरी 2023 रे प्रकाशित स्टेट्स रैंकिंग रिपोर्ट अनुसार वित्तीय परिचालन क्षेत्र में आम शीर्ष स्थान में अधिकार करिछु। निवेश उपरे प्राथमिकता सहित दक्ष वित्तीय परिचालना रूपांतरणकारी फलाफल आनी आम कार्यक्रम व्यय बराद 2001 मसीह 3538 कोटी टंका थी बेले 2023-24 बजेट आकलन में 35 गुण वृद्धि पाई 1,25,000 कोटी रे पहुंची। से ही समय मध्य पुंजी व्यय बराद 834 कोटी टंकारु 60 गुण वृद्धि पाई 51,683 कोटी टंका रे पहुंची। देशर समस्त प्रमुख राज्य मध्य ओडिशार मोट बजेट व्यय पुंजी व्ययर अनुपात सर्वाधिक। 2023-24 आर्थिक वर्ष आमर प्रशासनिक व्यय को 94,000 कोटी टंकारे सीमित रखि कार्यक्रम व्यय को 25% वृद्धि कर 2023-24 आर्थिक वर्ष 1,25,000 कोटी टंका करने को प्रस्ताव दि जाए। कार्यक्रम व्यय मात्र 2 वर्ष मध्य 67% अभिवृद्धि उल्लेखनीय तथा अभूतपूर्व अटे। कार्यक्रम व्यय बराद मोट बजेट व्यय बरादर प्राय 54% अटे। 2023-24 आर्थिक वर्ष लगी प्रशासनिक व्यय बराद 94,000 कोटी टंका हेबो जेउथिरे कि दरमा पई 32,449 कोटी टंका, पेंशन पई 19,967 कोटी टंका, सुध देय बाबत को 7,241 कोटी टंका ओ पुंजी संपत्तिर रक्षणाबेक्षण पई 13,464 कोटी टंका अंतर्भुक्त। डिजास्टर रिस्पन्स फंड पई व्यय बरादर परिमाण 3,700 कोटी टंका हेबो। राज्यर हस्तांतर बाबद 7,300 कोटी टंकार व्यय बरादर प्रस्ताव रही। राज्यर ग्रामीण और सहरांचल स्थानीय निकाय संस्था को पंचदश अर्थ कमिशन का सुपारिश आधार में प्राय 3,132 कोटी टंका एवं पंचम राज्य अर्थ कमिशन का सुपारिश आधार में प्राय 4,052 कोटी टंका हस्तांतर करने को प्रस्ताव रही। यहीपर भाव में 2023-24 आर्थिक वर्षर बजेट आकलन में 2,30,000 कोटी टंका व्यय अटकल कर 2023-24 आर्थिक वर्षर पुंजी व्यय अटकल हो 51,683 कोटी टंका जहाँ सामग्रिक राज्य घर उत्पादर प्राय 6%। अतिरिक्त भावे ऋण अग्रिम पुंजी संपत्ति सृष्टि पाई अनुदान और अन्यान्य पुंजी संपत्ति सृष्टि पाई खर्च को मिसाई मोट 12,421 कोटी टंका व्यय बराद कर सामग्रिक राज्य घर उत्पादर 1.4% अटे। 2023-24 वार्षिक बजेट पई अर्थर उत्स व्यय अटकल पई मुख्यतः राजस्व प्राप्ति 1,84,500 कोटी टंका एवं ऋण अन्यान्य बाबदर मिलवा 45,500 कोटी टंकारु भरणा करा जीवो। 2023-24 आर्थिक वर्ष पई आकलित मोट राजस्व प्राप्ति मध्य केन्द्रीय टिकस राज्यर अंश भाव 46,251 कोटी टंका, राज्यर निजस्व टिकस राजस्व 53,000 कोटी टंका, निजस्व अणटिकस राजस्व 52,500 कोटी टंका एवं केन्द्रीय अनुदान बाबद को 32,749 कोटी टंका अंतर्भुक्त।